नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सरकार ने किया हिमाचल प्रदेश आने और बाहर जाने से संबंधित आदेशों में संशोधन। हिमाचल में अब तक 81 नए मामले, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2035 पर पहुंचा। जयराम सरकार ने किया 8 HAS अधिकारियों का स्थानांतरण, सोमिल गौतम होंगे SDM इंदौरा। HPU ने जारी किया स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल। किन्नौर में सीमा पार चीन की संदिग्ध गतिविधियों से राठौर चिंतित, खुफिया तंत्र पर भी उठाए सवाल। हिमाचल की 41 पंचायतों और 2 नगर परिषद में लगा कर्फ्यू। विक्रमादित्य बोले, CM ऑफिस आने वाले BJP लीडर पर हत्या के प्रयास का दर्ज हो मामला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DLED CET परीक्षा के आंसर की दोबारा की अपलोड। ऊना में बच्चे की चाहत में तांत्रिक के पास पहुंची महिला से लाखों की ठगी, एक आरोपी अरेस्ट। स्वारघाट में पंजाब की गाड़ी से 2.25 किलो चरस के साथ 2 धरे, 2 फरार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जयराम सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आवागमन से संबंधित जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि जो विद्यार्थी और अभ्यर्थी अपने माता पिता के साथ प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के कारण प्रदेश के भीतर और बाहर आवागमन करना चाहते हैं, उन्हें राज्य में 72 घंटों के भीतर आवागमन करने की स्थिति में क्वारंटाइन नियमों से छूट की सुविधा प्रदान की जा सकती है। परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र को प्रदेश में आने व वापस आने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा और विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को अलग से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में परीक्षा के लिए आने की स्थिति में उन्हें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत स्थानीय होटलों एवं इकाइयों में ठहरने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही बागवानों, कृषकों और ठेकेदारों द्वारा प्रदेश के बाहर से श्रमिकों को लाया जाएगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 81 मामले सामने आए हैं। इसमें से सोलन से 34, सिरमौर और मंडी से 15-15, चंबा से 7, ऊना से 6, कांगड़ा से 3 व शिमला जिले में 1 मामला सामने आया है। वहीं 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। इसमें सोलन के 21 और कुल्लू जिला का 1 शामिल है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2035 पहुंच गया है। अभी 840 एक्टिव मामले हैं और अब तक 1171 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मामलों में सोलन जिला नंबर 1 पर बना हुआ है। इस जिला में सबसे अधिक 506 मामले सामने आए हैं, 324 एक्टिव केस हैं और 181 लोग ठीक हुए हैं। कांगड़ा जिला में 388 संक्रमित हैं और 78 एक्टिव केस हैं, साथ ही अब तक 305 ठीक हो चुके हैं। सोलन जिला के बद्दी में एक आरोपी और पुलिसकर्मी के पॉजिटिव आने के बाद SP ऑफिस बद्दी और पुलिस स्टेशन बरोटीवाला को सील कर दिया गया है। SHO बरोटीवाला सहित 21 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। सोलन जिला में पिछले कल 38 मामले आए हैं और आज 31 मामले आए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध के बीच 8 HAS अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के तहत अंडर ट्रांसफर चल रहे अतिरिक्त निदेशक ABP इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स डॉक्टर विक्रम महाजन को SD सैनिक कल्याण हमीरपुर और OSD सैनिक कल्याण अनुपम कुमार को SDM झंडूता लगाया गया है। SDM झंडूता रहे विकास शर्मा को RTO बिलासपुर, सहायक सेटलमेंट अधिकारी कांगड़ा अरुण कुमार को SDM धीरा, SDM इंदौरा गौरव महाजन को उप सचिव हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, SDM चुरा के पद पर अंडर ट्रांसफर सोमिल गौतम को SDM इंदौरा, SDM धीरा विकास जम्बाल को सहायक सेटलमेंट अधिकारी कांगड़ा और उप सचिव हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग रमेश चंद कटोच को RTO ऊना तैनात किया गया है। लंबे इंतजार और असमंजस के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने UGC के निर्देशों और सरकार के आदेशों पर स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू होंगी और 8 सितंबर को अंतिम पेपर होगा।
परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक दो सत्रों में होगी। इसके लिए प्रदेश भर में कुल 134 परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए परीक्षा में सोशल डिस्टेंस के अलावा UGC और सरकार की ओर से जारी SOP के मुताबिक सभी कॉलेज व्यवस्था करेंगे। अंतिम सेमेस्टर में करीब 36,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। किन्नौर जिला के साथ लगती भारत चीन सीमा पर बढ़ रही चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने खुफिया सूचना तंत्र की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर से इस क्षेत्र में अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में उन्होंने देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के CM को एक पत्र भेजकर देश की सीमा पर पूरी चौकसी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सेना के साथ साथ पुलिस की और अधिक चौकसी बरतने की जरूरत है। राठौर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि चीन ने किन्नौर जिला के पू ब्लॉक के कुनोचारण गांव से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर खेमपुला पास पर गुपचुप तरीके से एक सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चला रखा है। उन्हें ये सूचना स्थानीय लोगों से मिली थी, जिसके बाद एक वीडियो जारी होने से साफ है कि देश का खुफिया सूचना तंत्र असफल साबित हो रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। सोलन जिला के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतें तथा नालागढ़ एवं बद्दी नगर परिषद में पूर्ण कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लगा दिया गया है। DC सोलन KC चमन ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। DC द्वारा घोषित आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में 26 जुलाई की आधी रात से 28 जुलाई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद पूर्व में अधिसूचित कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक निगम, बैंक, वाणिज्यिक गतिविधियां तथा औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। ये आदेश आपातन सेवाओं अर्थात कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अग्निशमन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, दवा की दुकानों एवं उन उद्योगों पर लागू नहीं होंगे जिनमें लगातार प्रक्रिया आवश्यक है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने CM जयराम ठाकुर के कार्यालय में कोरोना संक्रमित BJP नेता के आने पर हैरानी जताते हुए उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर किया गया अक्षम्य अपराध है, जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता। विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश में COVID-19 के बढ़ते मामलों से आम लोगों की चिंताओं पर गौर किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सरकारी स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। BJP के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसके नियमों को तार तार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर तो इस नियम को तोड़ने पर पुलिस मामले बनाए जा रहे हैं, पर BJP के किसी भी नेता को इसकी पूरी छूट दी गई लगती है। विक्रमादित्य सिंह ने सरकार के दोहरे मापदंड की आलोचना करते हुए कहा कि महिला मोर्चा के महायज्ञ में शामिल होकर CM समेत महिला मोर्चा व अन्य BJP नेताओं पर भी FIR दर्ज की जानी चाहिए थी, जहां 200 से अधिक लोग CM की मौजूदगी में जुटे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 19 जुलाई को आयोजित की गई DLED CET 2020 परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी दोबारा अपलोड कर दी है।
हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 प्रवेश परीक्षा की संशोधित अस्थायी उत्तर कुंजी सीरीज ABCD बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उपरोक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित उत्तर दर्जी में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति प्रमाणित तथ्यों सहित दिनांक 29 जुलाई तक भेज सकते हैं। ऊना जिला के भटोली गांव की एक महिला ने अंधविश्वास के चलते बच्चे की चाहत में एक तांत्रिक बाबा पर लाखों रुपए लुटा दिए। महिला ने पंजाब के कस्बा नंगल के एक तांत्रिक बाबा पर करीब 9.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस को सौंपी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में हुई थी। शादी के कुछ माह बाद महिला का गर्भपात हो गया जिसके चलते वह परेशान रहने लगी। इस दौरान वह अपने पति के साथ मायके की एक महिला के साथ आरोपी तांत्रिक मदन गोपाल उर्फ मद्दी बाबा के पास पहुंची। बाबा नियमित तौर पर कुछ न कुछ डिमांड करने लगा। इसी बीच महिला ने बेटे को जन्म भी दिया जिसका फायदा उठाकर बाबा की डिमांड बढ़ती गई। बाबा के कहने पर महिला ने उसे 4 पंखे और 5100 रुपए दिए। अब डिमांड पूरी ना होने पर बाबा उसके पति और बेटे को मारने की धमकी दे रहा है। बाबा की मांगों को पूरा करने के चक्कर में अपने गहने तक बेच डाले और करीब 9.5 लाख रुपए बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है। जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट में पुलिस ने 2 युवकों से 2.25 किलो के करीब चरस बरामद की है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। इनमें एक युवक पंजाब का रहने वाला है, वहीं 2 युवक भागने में सफल हो गए जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। शनिवार करीब 3:30 बजे बिलासपुर पुलिस की SIU टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान री गांव के लिंक रोड के नजदीक गरा मोड़ के पास सुनसान जंगल के किनारे एक पंजाब नंबर की कार खड़ी दिखी। जब टीम कार के पास गई तो पुलिस को देखकर कार में सवार युवक घबरा गए और पिछली सीट पर दरवाजा खोलकर 2 युवक जंगल की ओर भाग गए, जबकि चालक व साथ बैठा युवक भी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने कार की तलाशी ली और तलाशी के दौरान कार में 1.642 किलो चरस बरामद हुई। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।